नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया धीर। आइए रुख करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। बंपर जीत के बाद गुजरात में पीएम ने फूका चुनावी बुगुल। रोड शो के बाद पंचायत प्रतिनिधियों को करा संबोधित। दिल्ली में एमसीडी चुनाव टालने पर केंद्र सरकार पर भड़के अरविंद केजरीवाल। पंजाब में हार के बाद कांग्रेस में अंतक्रलह। तीन पूर्व कैबिनेट मंत्रियों ने सिद्धू को बताया बेलगाम घोड़ा। जम्मू कश्मीर बंदीपुरा में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, बोले जनादेश स्वीकार। अखिलेश यादव बोले हमारी सीटें 2.5 गुना बढ़ाने के लिए यूपी की जनता को हार्दिक धन्यवाद। हैदराबाद के मुख्यमंत्री केसीआर की तबीयत बिगड़ी, यशोदा अस्पताल पहुंचे। चारधाम प्रोजेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष रवि चोपड़ा का इस्तीफा स्वीकार किया। बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास हथियारों का जखीरा पकड़ा। यूपी में जीत के बाद झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। यूक्रेन की राजधानी कीव के ब्रोवरी में रूसी सेना ने की एयर स्ट्राइक, स्कूल और हाईवे पर बरसाए गोले। अमेरिका में मरे हुए 20 हिरणों के स्टेप टेस्ट में पाया गया कोरोना संक्रमण। यूक्रेन के नीप्रो में रूसी सेना ने किए 3 हवाई हमले, गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत। चीन ने यूक्रेन रूस युद्ध में शांति के लिए सकारात्मक भूमिका निभाने की पेशकश की। फेसबुक ने यूक्रेन पर हमले को लेकर पुतिन के खिलाफ पोस्ट करने की अनुमति दी। रूस ने अब ह्यूमन कॉरिडोर खोलने के लिए जरूरी शर्तें रखी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।